सो गाइज वेलकम बैक अगेन आप लोग गाइज, फिर से वेलकम है हीरोइक और सीसी के और एक न्यू वीडियो में, मतलब कैस्टल क्रैश और हीरोइक मैजिक डबल के और एक न्यू वीडियो में, एक्साइटिंग वीडियो में गाइज आप लोग फिर से वेलकम है। तो गाइज आज हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड बेयरर्स वर्सेस कमांडर, जो कि दोनों एक तरह से जो है सेम कार्ड आता है। कमांडर एक फीमेल कार्ड बनाया गया है जो कि हीरोइक मैजिक डबल में है, और कैस्टल क्रैश जो है मेल कैरेक्टर बनाया गया है। मेल कार्ड ये देख लो गाइज, लेवल 6 है मेरा स्टैंडर्ड बेयरर्स। तो अभी गाइज अगर पूरा कैस्टल क्रैश में अगर हम लोग बात करें कि सबसे फास्ट टेस्ट कार्ड कौन है, तो गाइज स्टैंडर्ड बेयर्स को छोड़ के कोई फास्टेस्ट कार्ड नहीं है, बिकॉज गाइज यहाँ पे इसका स्पीड 10 है, बट इसको गाइज बोनस स्पीड प्लस 1 मिल जाता है, जो कि अभी तक मैं जो कैस्टल क्रैश में, इसके बाद वारियर और ट्रिपलेट्स का ही स्पीड 10 है बट उसको बोनस स्पीड नहीं है। तो इसलिए गाइज हम लोग सिंपली तौर पर कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड बेयर्स के जितना फास्टेस्ट कार्ड अभी तक मैं कैस्टल क्रैश में कोई नहीं है। इसलिए गाइज मैक्सिमम अगर बोले तो हीरोइक मैजिक डबल में कमांडर का बहुत कम यूज होता है, बट कैस्टल क्रैश में गाइज स्टैंडर्ड बेयर्स का यूज बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे गाइज देख लो, यहाँ पे जो है मेरा लेवल 9 के ट्रिपलेट्स है और इसका भी स्पीड ओनली 10 है बट इसका बोनस स्पीड नहीं है। और उसी के साथ अगर बात करें वारियर का भी, तो यहाँ पे वारियर के बारे में मैं आपको बताया, इसका भी स्पीड 10 है गाइज। और ब्लैक नाइट का बात करें तो गाइज यहाँ पे देख लो ब्लैक नाइट है, ब्लैक नाइट का स्पीड 7 है। और इसी के साथ यहाँ पे पूरा तरह से प्रूफ हो जाता है गाइज स्टैंडर्ड बेयर्स के जितना कोई फास्टेस्ट कार नहीं है, बिकॉज इसमें जो बोनस स्पीड प्लस 1 यहाँ पे मिल जाता है, दौड़ने के साथ ही इसको प्लस 1 बोनस स्पीड मिल जाता है। तो इसलिए गाइज स्टैंडर्ड बेयर्स काफ़ी अभी तक में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कार्ड पूरा कैस्टल क्रैश में स्टैंडर्ड बेयर्स है। इसलिए गाइज कैस्टल क्रैश में स्टैंडर्ड बेयर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे गाइज कुछ मैच स्टार्ट कर रहे हैं, और इस मैच किससे और भी पूरा तरह से क्लियर हो जाएगी स्टैंडर्ड बेयर्स कितना फास्टेस्ट कार्ड है। एंड गाइज पता नहीं मैच थोड़ा स्लो लग रहा था, इसलिए गाइज फिर भी यहाँ पे हम लोग मैच यहाँ पे लगाए, और यहाँ पे गाइज यहाँ पे सिंपली मैच लग गया है। और यहाँ पे देख लो गाइज हम लोग यहाँ पे गेम प्ले करने वाला है स्टैंडर्ड बेयर्स का कितना तगड़ा यूज होता है। एंड गाइज आप लोग कभी कभी ये भी देखना कि अगर आप लोग एक ही लेन में दो दो अगर स्टैंडर्ड बेयर्स यूज करोगे, तो गाइज उसका स्पीड जो होगा कोई भी कार्ड होगा वो भी आपको बहुत जल्दी जल्दी आएगा, एंड स्पीड काफ़ी तगड़ा हो जाता है स्टैंडर्ड बेयर्स का, और बहुत ही फास्ट वो दौड़ने लगता है पूरा लेन में। तो सिंपली कहें यहाँ पे हम स्टॉर्म एलिमेंटल अभी यूज़ किया है, एंड साथ ही साथ उसका एंजल्स को मार ही दिए थे, बट यहाँ पे वो जो है ब्लिजर्ड जमा के मेरा होलो नाइट को पूरा मार रहा है। लेकिन गाइज यहाँ पे देख लो मेरा और एक होलो नाइट बन गया, एंड उसका स्टॉर्म एलिमेंटल भी यहाँ पे पूरा तरह से खत्म हो चुका है। और इसके साथ गाइज यहाँ पे देख लो स्टैंडर्ड बेयर्स यहाँ पे आ चुका है, और गाइज सही टाइम पे गाइज यहाँ पे गेम चेंजर आप कह सकते हो, एक तरह से पूरा गेम चेंजर कार्ड है स्टैंडर्ड बेयर्स। ये कब आ जाएगा और ये अपना टोटल आर्मी को लेकर जो है गाइज कौन सा लेन में कब चला जाता है गाइज कहना मुश्किल है। इसलिए गाइज जो अपोनेंट भी जो है काफ़ी मतलब घबरा जाता है यार स्टैंडर्ड बेयर्स यार कितना खतरनाक कार्ड है। तो सिंपली गाइज डिपेंड करता है कि आप इसका कितना अच्छा यूज़ करते हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो गाइज स्टैंडर्ड बेयर्स हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो आपको पता भी होगा गाइज, और खेलने में भी काफ़ी मज़ा आता है स्टैंडर्ड बेयर्स कार्ड से। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे जो हम लोग सेकंड मैच स्टार्ट करते हैं, एंड आप लोगों ने फर्स्ट मैच में देख ही लिया गाइज, अगर सही टाइम पे स्टैंडर्ड बेयर्स मेरे पास नहीं आता तो वो आइस एलिमेंटल जमा के जो है पूरा तरह से मेरा कार्ड को खत्म कर सकता था, बट सही टाइम पे हम डबल स्टैंडर्ड बेयर्स रखे थे जिसके कारण जो है यहाँ पे सिंपली मैच विन कर गए। और गाइज थोड़ा सा ये लास्ट गेम प्ले, उसके बाद गाइज आपको हीरोइक मैजिक डबल का भी मैं आपको अच्छा समझा दूंगा कि हीरोइक मैजिक डबल में सबसे फास्टेस्ट कार्ड कौन सा है, और क्या कमांडर और स्टैंडर्ड बेयर्स में आप लोग कौन सा बेस्ट लगता है गाइज आप लोग सिंपली बताना। एंड गाइज यहाँ पे देख लो फोनिक्स जो है अटैक मार रहा है, क्योंकि गाइज इसने स्टॉर्म एलिमेंटल हम यहाँ पे यूज़ किए थे, बट इस पर स्टैचू ये डाल के जो हमारा स्टॉर्म एलिमेंटल को खत्म कर दिया है। और साथ ही साथ गाइज इसका जो लेवल 10 का गाइज आइस एलिमेंटल है, तो हम जो है सही टाइम पे गाइज मेरे पास स्टैंडर्ड बेयर्स आ गया है, और स्टैंडर्ड बेयर्स को लेके जो है मेरा डबल फोनिक्स जो बना हुआ था, दोनों फोनिक्स को गाइज हम इस साइड आ गए हैं। और गाइज मेन जो है आइस एलिमेंटल गाइज इतना अच्छा कार्ड है, इतना तगड़ा कार्ड है गाइज, ये जो है साथ ही साथ एरिया डैमेज भी देता है, मतलब अगर आपके कैस्टल तक पूरा पहुंच गया गाइज, एंड अगर आप पे अटैक कर रहा है तो साथ ही साथ गाइज आपका एरिया भी डैमेज होगा। और गाइज लेवल 10 ईयर काफ़ी तगड़ा लेवल 10 है गाइज, अटैक भी ज़्यादा है और हेल्थ भी ज़्यादा है। और इसी के साथ गाइज यहाँ पे हम लोग डार्क एंजल यूज़ कर दिए, और साथ ही साथ नेक्रोमेंजर का भी यहाँ पे यूज़ कर दिए हैं। और फाइनली गाइज अब यहाँ पे सही टाइम पे स्टैंडर्ड बेयर्स कार्ड आया, एंड देखते हैं गाइज हम लोग यहाँ पे मैच विन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। एंड यहाँ पे गाइज उसने फायर एलिमेंटल का ही डबल फायर एलिमेंटल यूज़ कर दिया, क्या गाइज मेरा फोनिक्स बन पाएगा या नहीं बन पाएगा,
एंड यहाँ पे गाइज एक फोनिक्स वाला एक को भी ख़त्म कर दिया, बट गाइज यहाँ पे जो है मेरा लेवल 2 का फोनिक्स हो गया और काफ़ी इसका भी हाई अटैक है और डार्क एंजल का भी अटैक बहुत ज़्यादा है। और गाइज फिर भी फोनिक्स का एरिया डैमेज था जिसके कारण हम यहाँ पे मैच विन कर गए। एंड गाइज फाइनली जो अभी यहाँ पे आप लोग स्टैंडर्स के बारे में अच्छा तरह समझ लिए। एंड गाइज अब बात करते हैं गाइज सबसे फास्टेस्ट कार्ड जो हीरोइक मैजिक डबल में रोलिंग रॉक्स है गाइज, बिकॉज रोलिंग रॉक्स इतना छोटू सा कार्ड है गाइज और ये बहुत ही फास्ट दौड़ता है, एकदम गोल गोल टाइप का है। अगर जो लोग हीरोइक मैजिक डबल खेले हैं गाइज उसको पता होगा कि रोलिंग रॉक्स कितना फास्टेस्ट कार्ड है। तो इसका गाइज स्पीड 14 है, जो कि पूरा अगर बात करें कैस्टल क्रैश और हीरोइक मैजिक डबल में सबसे स्पीड कार्ड कौन सा है तो वो रोलिंग रॉक्स है। और गाइज इसमें जो कमांडर का भी ओनली 10 दिया हुआ है स्पीड और इसमें बोनस स्पीड नहीं दिया हुआ है, लेकिन गाइज स्टैंडर्ड बियर्स में वहाँ पे +1 बोनस स्पीड दिया गया था। बट गाइज यहाँ पे जो है इस गेम में हीरोइक मैजिक डबल में कमांडर का जो कि सेम टू सेम स्टैंडर्ड बियर्स कार्ड जैसा ही वर्क करता है उसका स्पीड ओनली 10 दिया गया है। तो गाइज हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। इसी के साथ गाइज जो है यहाँ पे जो है आपने देखा होगा कि ट्रिपलेट्स और वॉरियर जो कि फास्टेस्ट कार्ड है उसका ओनली स्पीड 10 ही है कैस्टल क्रैश में। बट गाइज यहाँ जो है सिंपल से बात है गाइज रोलिंग रॉक्स अभी तक में सबसे फास्टेस्ट कार्ड पूरा दोनों गेम का मिला के हीरोइक और कैस्टल क्रैश का मिला के रोलिंग रॉक के जितना फास्टेस्ट कार्ड कोई भी नहीं है और स्टैंडर्ड बियर्ड भी नहीं है, बिकॉज गाइज रोलिंग रॉक्स का जो है 14 यहाँ पे स्पीड है। बट गाइज अगर गेम चेंजर वाला बात करें तो कमांडर का जो है अटैक और इसका जो हेल्थ है स्टैंडर्ड बियर्ड से काफ़ी ज़्यादा है, बट जो है स्पीड के मामले में गाइज जो है स्टैंडर्ड बियर्ड बीट कर देता है यहाँ पे कमांडर को। तो सिंपली गाइज यहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे गेम प्ले करने वाले हैं और यहाँ पे हम प्लॉट स्टाइल कर जो कि काफ़ी खतरनाक लेजेंडरी कार्ड है गाइज, और ये देख लो गाइज ये मेरा लेवल 10 का है और आप गाइज प्लॉट स्टाइल कार्ड का मैं आपको यूज़ दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो मेरा लेवल 10 का गाइज इसी के साथ कमांडर भी हो गया है और गाइज यहाँ पे लेवल 10 मेरा पूरा लेवल अप हो गया गाइज, मेरा टोटल जो भी पोर्टल पॉइंट होता है गाइज लेवल 10 यहाँ पे हो गया, लेवल 9 के थे हम, बट गाइज अब यहाँ पे मेरा जो है टोटल लेवल 10 का हम क्लियर हो चुके हैं हीरोइक मैजिक डबल में। तो इसी के साथ गाइज हम लोग यहाँ पे अनडिट रेड, मतलब जो आप बोनियाड यूज करते हो कैस्टल क्रैश में, तो इसमें अनडिट रेड बोला गया है, इसमें इसका नाम बोनियाड है, जो कि कहीं भी स्केलेटन जो है ऑटोमेटिक स्पॉन आ जाता है, ऑटोमेटिक कहीं भी आ जाता है। तो गाइज वही बोनियाड जो है इसमें इसका नाम अनडिट रेड है और ये रहा रोलिंग रॉक्स। एंड गाइज अब हम आपको जो यहाँ पे सबसे फास्टेस्ट कार्ड पूरा हीरोइक और कैस्टल क्रैश मिला के सबसे फास्टेस्ट कार्ड गाइज रोलिंग रॉक्स आ जाता है। तो हम लोग गाइज यहाँ पे रोलिंग रॉक्स का भी आप लोगों को गेम प्ले दिखाने वाले हैं। साथ ही साथ गाइज यहाँ पे जो अब यहाँ पे मैच स्टार्ट कर दिए और इसमें जो है डबल यहाँ पे जो है हम कमांडर रखे हैं, तो बिकॉज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ गाइज देखो इसमें भी कितना अच्छा यूज होता है। और इसमें भी गाइज जैसे कैस्टल क्रैश में आपका तीनों लेन होता है वैसे हीरोइक मैजिक डबल में भी तीनों लेन होता है, 1 2 3 देख सकते हो गाइज तीनों लेन है और देखने में भी काफ़ी खतरनाक लग रहा है। अंदर से गाइज देखो लावा टाइप से फ्लिंग आ रहा है और गाइज यहाँ पे देख लो स्केलेटन जो कि अनडिड हॉर्ड इसमें नाम है इसका, गाइज नाम चेंज किया हुआ है बिकॉज हर गेम का अलग अलग होता है। और गाइज यहाँ पे देखो हम यहाँ पे रोलिंग रॉक्स यूज किए थे, बट गाइज यहाँ पे सही टाइम पे जो है मेरा यहाँ पे आ गया कमांडर जो कि स्टैंडर्ड बियर्स के जैसा और मेरा जितना भी कार्ड था गाइज सबको लेके चला गया। बट गाइज उसका जो यहाँ पे लेजेंडरी कार्ड गाइज ये बहुत तगड़ा वर्क कर गया जिससे कि गाइज मेरा टोटल यहाँ पे अनडिड हॉर्ड यानी कि स्केलेटन को खत्म कर दिया। बट गाइज अब आप लोग बोलेंगे हम स्केलेटन क्यों यूज़ करते हैं, बिकॉज गाइज स्केलेटन यूज करने का वजह यहाँ पे ये है गाइज यहाँ पे जो ब्लड स्टाइलकर काफ़ी तगड़ा है यहाँ पे, अगर कहीं भी अगर स्केलेटन यूज करोगे तो ब्लड स्टाइलकर गाइज पावर बहुत ज़्यादा तगड़ा मिलता है। तो देख सकते हो गाइज ब्लड स्टाइलकर का जो ऊपर में जो ये डिज़ाइन बन रहा है और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे देख लो जैसे आप प्रोटेक्शन बोलते हो तो यहीं पर वेलन एक यहाँ पे हीरोज कहा गया गाइज हीरोज यहाँ पे हीरोज में रखा गया, तो गाइज यहाँ पे जो प्रोटेक्शन हम लगा दिए हैं। और साथ ही साथ गाइज यहाँ पे देख लो यहाँ पे लॉर्ड सिमडैग जो यहाँ पे मेरा कार्ड को मार रहा है, बट गाइज यहाँ मेरा कार्ड खत्म नहीं होगा बिकॉज क्योंकि गाइज हम यहाँ पे जो प्रोटेक्शन हम यहाँ पे लगा चुके हैं वेलन का जो यहाँ पे प्रोटेक्शन वाला कार्ड था जो कि लगा चुके हैं, जिस कारण से गाइज यहाँ पे जो सिंपली उस सामने वाले अपोनेंट के पास बहुत सारा लेजेंडरी कार्ड सब था, मैथिक कार्ड भी था, बट फिर भी गाइज यहाँ पे हम सिंपली विन कर गए बिकॉज गाइज यहाँ पे जो हम प्रोटेक्शन टाइप का जो कार्ड था वेलन का तो वो लगा दी। और इसी के साथ गाइज अगर देखा जाए हमारा लेवल 10 हो गया तो इसलिए गाइज यहाँ पे हमको VIP 2 का जो कुछ हमको यहाँ पे रिवार्ड्स मिल रहा है और VIP 2 बैजेज है जिसमें कि कुछ ऑर्ब्स और कुछ टोकन वोकन भी मिल रहा है। तो गाइज सिंपली से यहाँ पे हम लोग क्लेम करेंगे और यहाँ पे देख लेते हैं गाइज फायर आयरन फिस्ट यहाँ पे जो है कुछ हमको मिला है वही कार्ड और बहुत सारा चीज़ है गाइज इसमें जो है उतना हम अभी उतना डीप में गए नहीं है, गए हैं लेकिन कुछ कुछ भूल जाते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे जो है आपको खेलने के लिए काफ़ी अलग अलग सा आपको यहाँ पे मोड भी मिल जाएगा जिसमें कि मैं आपको बता भी चुका था कंपैक्ट मोड मिल
मिल जाएगा, क्लोजेस्ट अवेकनिंग, लास्ट हीरो स्टैंडिंग, बहुत सारा। और गाइज आपको जो जैसे आप कैसल क्रश खेलते हो तो सिंपली गाइज ये भी सेम उसी टाइप का गेम है। तो गाइज इसी के साथ यहाँ पे जो हम लोग सेकेंड मैच भी स्टार्ट कर दिया, तो गाइज इसलिए कंपेयर हम कर दिया गाइज सबसे फास्टेस्ट कार्ड कौन कौन सा है। तो गाइज यहाँ पे देख लो सबसे फास्टेस्ट कार्ड रोलिंग रॉक्स जो है यहाँ पे आ रहा है, लेवल 10 का मेरा रोलिंग रॉक्स। और गाइज ये डैमेज भी धीरे धीरे करके ज़्यादा डैमेज देता है, बट गाइज यहाँ पे सही टाइम पे मेरा कमांडर भी आ चुका है। और गाइज उसने वहाँ पे रिफ्लेक्टर का यहाँ पे यूज कर दिया है। और गाइज यहाँ पे सिंपली गाइज हम यहाँ पे कमांडर यूज किया और मेरा जितना भी कार्ड था सबको यहाँ पे जो है कमांडर यहाँ पे एक जगह ला दिया है। और गाइज यहाँ पे देख लो यहाँ पे अपोनेंट जो लाइटनिंग वाला यहाँ पे हेल यूज किया, लेकिन मेरा कार्ड सब बच गया बिकॉज क्योंकि गाइज यहाँ पे जो हम सब में प्रोटेक्शन यूज कर दिए थे। और इसी के साथ ही गाइज यहाँ पे जो है हम लोग सिंपली मैच विन कर गए। तो गाइज आई होप समझ में आया हो कि आप लोग को कमांडर और स्टैंडर्ड बेयर्स में कितना डिफरेंस है। तो गाइज सिंपली आप लोग कमेंट में बताना आप लोग को कौन कौन सा कार्ड कैसा लगा। गाइज तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में।